Dear students, assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sallam. Paak Kadit mein chapter number 2 hamara chal raha hai aur chapter number 2 ke page number 36 par aaj hamara topic hai pehle wazir-e-azam ke taur par pehle wazir-e-azam ki haisiyat se ये भी एक बड़ा कारण है। उसके
बाद पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बनाने में बड़ी अहम खिदमत आपने सर अंजाम दी। देखें ना, वी हैव नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हुकूमत कायम करनी थी, हुकूमत में मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियाँ किन किन शख्सियात को सौंपी जानी थी, सूबों के गवर्नर और फिर आगे वज़रा आला, सूबाई हुकूमतों का क़याम, लेजिस्लेटिव असम्बली के अरकान का इंतखाब, इस सारे मराहल में लियाकत अली खान की खिदमत जो नाकाबिले फरामोश हैं और उन्होंने इसमें पेश रहे, बल्कि आपने जो है माशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत बनाने में इसी माशी तौर पर मजबूत बना। माशी तरक्की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किसी भी मुल्क के क्याम और उसकी बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लियाकत अली खान ने मुल्क में माशी तरक्की के लिए पहला जो काम किया वो कौम को इस बात पर मोटिवेट किया कि वी शुड बाय द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, हमें पाकिस्तानी मसनूआत को ख़रीदना चाहिए और हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है वो अहमियत दें, मेड इन पाकिस्तान खरीदें ताकि पाकिस्तान को कारोबारी तौर पर इस्तेमाल हासिल हो जाए। इसी तरह आपने जो है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भी माशी मुआहदे किए। उसके बाद बजट की तैयारी आपका बड़ा कारनामा था कि एक नौजाइदा रियासत जिसके पास बिल्कुल वसाइल की किल्लत है या उसके वसाइल अभी जो है वो यूटिलाइज नहीं हुए, जिसको उसका हिस्सा भी दूसरे मुल्क से नहीं मिला, जो मैंने आपको पिछले बताया कि रिजर्व बैंक के पैसे भी नहीं मिले, मैं जो एसेट्स थे उसका हिस्सा भी नहीं मिला, जो हमारा मिलिट्री एसेट्स थे उसमें से जो हमारा हिस्सा था वो भी नहीं मिला, और पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज भी बहुत कम थी। इस हालत में जबकि रेवेन्यू भी बिल्कुल ना नहीं बराबर था, बजट तैयार करना ये बहुत बड़े कारनामा है मुल्क का। उसके अलावा अंदरूनी अलफशार पर काबू, अंदरूनी अलफशार ये था कि लोगों में बेयकीनी की फजा पैदा हो रही थी और भारतीय प्रोपेगेंडा काम कर रहा था कि इकट्ठा पटा मुल्क, ये बिल्कुल नौजायदा रियासत जिसको हमने बाउंड्रीज भी जो है वो सही तौर पर एक्यूरेट नहीं दी हैं, इसके मुस्लिम अक्सरीत इलाकों से इसको डेप्रिवेशन का सामना है, महरूमी का सामना है, जिसके एसेट्स भी हमने उसको नहीं दिए, जिसका रेवेन्यू भी नहीं दिया, जिसके पास मजीद प्रोडक्शन भी बहुत कम है, जिसके पास अजीम तरीन डीजल भी 13 महीने के अरसे में रेल फरमा गया, वहाँ पर उस बेयकीनी की सूरत हाल को काबू करना और कौम को संभालना और दिलासा देना ये बहुत बड़ा काम था। और उसके बाद कश्मीर का माहौल खुल गया, इसी तरह 1948 में मीरत छावनी पर हमला और करनाल पर 1948 की जंग जिसमें कैप्टन सरकार शहीदों पर निशाने पा गए, ये मामला थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र और तदब्बुर की ज़रूरत थी, क्योंकि खान लियाकत अली खान ने जो है वो किया और खान लियाकत अली खान को संभाला इन कठिन और मुश्किल हालात में। दूसरी तरफ भारत की साजिशें मैंने पहले जिक्र की, मुख्य हीले बहानों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्मी सत्ता पर भी कोशिशें की, जब कश्मीर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ और इधर से मुजाहिदीन ने आज़ाद कश्मीर का हिस्सा जो है वो
फ्री करवा लिया गया से तो उससे कब्जा कर लिया। तो हम जानते हैं कि 1948 में ही भारत को कश्मीर मसला कश्मीर जो है वो कॉमन किया है। भारत जब मसला कश्मीर अकवाम मुत्तहदा में ले गया, सलामती कौंसिल में पेश कर दिया, जिस पर आज दिन तक उसकी मंजूर करदा करारदाद पर उसने अमल नहीं किया। सलामती कौंसिल ने यह फैसला किया हुआ है कि कश्मीरियों को हक्के खुद राय रही जो है कि खुद इरादी जो है वो इस्तेमाल करने का भरपूर मौका दिया जाए, वहाँ पर रेफरेंडम कराया जाए, इस तस्वा पर राय करवाया जाए। लेकिन आज तक भारत ने उस पर अमल करने की जरूरत नहीं महसूस की, बल्कि वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि इस वक्त कौन सा जुल्म है जो कश्मीरियों पर नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि उनकी शहरीत मनसूख कर दी गई है, उनको रियासत से बेदखल किया जा रहा है, उनकी नसलकशी की जा रही है और जुल्म सितम का एक वादा है। तो लेकिन उस कठिन हालात में आज से 72 ईयर्स पहले जब पाकिस्तान जस्ट न्यू बॉर्न बेबी की हैसियत से एक स्टेट थी, वहाँ पर इन सारी साजिशों का मुकाबला करना यकीन खान लियाकत अली खान का एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके बाद आईनी खिदमा आईन में सबसे बड़ी खिदमत 1949 में दस्तूर साज असेंबली में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। इसके बाद
उनका किसी भी हुकूमत की कामयाबी में सबसे बड़ा मतलब उसकी खारजा पॉलिसी का होता है। किसी भी कामयाब या नाकाम रियासत को हमने ये देखना है कि हाउ इन डील विद द फॉरेन कंट्रीज, बैरून मुल्क के साथ। मैंने बताया था कायदे रहमतुल्लाह ने खारजा पॉलिसी की बुनियाद जो है वो बराबरी और खुदमुख्तारी की हैसियत से जो है वो रखी थी। उन्होंने ये फरमाया कि हम सब जो हैं एक कौम की हैसियत से काम करेंगे और बतौर कौम दूसरी कौमों के साथ अच्छे ताल्लुक कायम करेंगे, ना अपनी इज्जत और तनाव पर कोई हरफाने देंगे, ना अपने खुदमुख्तारी का सौदा करेंगे, ना किसी की खुदमुख्तारी पर हमला करेंगे। उसी को लेफ्टी खान ने अपनाया और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुक, जिसमें 1950 में आपका दौरा अमरीका ड्यूरिंग दिस विजिट लियाकत अली खान नरेट ऑल द डेफिशिएंसीज faced Pakistan in the various sectors. अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स ने जो पाकिस्तान की डेफिशिएंसीज थी, कमियाँ थी, जिन चीज़ों की ज़रूरियात थी, उसको उजागर किया लियाकत अली खान ने अमेरिकन क़यादत के सामने। इसी तरह शाह ईरान ने 1951 में शाह ईरान ने दौरा किया पाकिस्तान को। बड़ा कारनामा था जिस पर लियाकत अली खान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और मुश्तरका खारजा पॉलिसी अपनाने का जो है वो दोनों मुल्कों ने ऐलान किया। इसी तरह 1951 में कंट्रोल लाइन पर इंडियन फोर्सेस की आमद भारतीय अफवाज जमा हो गई कंट्रोल लाइन पर। जंग की गर्ज से लियाकत अली खान ने इस कड़े दौर में बड़ी कामयाबी और हिकमत अमली से उस जंग को टाल दिया और पाकिस्तान को किसी बड़े हादसे से बचा लिया। ये उनकी खिदमात थी, इनको आपने जो है वो याद करना है। हेडिंग वाइज 1948 की जंग, 49 में करारदाद मुकासद, 1951 में शाह ईरान का दौरा और इसके बाद जो है वो 16 अक्टूबर 1951 में आपको कराची के कंपनी रावलपिंडी के कंपनी बाग में रावलपिंडी के कंपनी बाग में गोली मारी गई, गोली मारकर शहीद कर दिया। आपको मादरे मिलत का सॉरी आपको शहीद मिलत का खिताब दिया गया, शहीद मिलत का खिताब, जबकि कोंकणी बाग का नाम लियाकत बाग रख दिया। तो ये हमने याद कर लेना है और इसी को जो है वो और लॉन्ग क्वेश्चन भी और इसमें ये जो मैंने हिंट्स लिखवाए हैं खासतौर पर ये मसला कश्मीर वाला या आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको भी आपने इस लेक्चर से जो है वो नोट कर लेना है और अल्लाह ताला हमारा